फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिलेट की रेसिपी, श्रीधान्य मिलेट की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसका बहुत ही टेस्टी चीला बनता है। और इसके फायदे तो आप लोग जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मिलेट और उसके फायदे वाला जो मेरा वीडियो है उसे आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और बहुत ही सारे इसमें पोषक तत्व भी होते हैं। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं एक आसान सी रेसिपी, जिसे हम सवेरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ फॉक्सटेल मिलेट, जिसे हम कंगनी के नाम से जानते हैं, उसका चीला बना रही हूँ। तो इसे रात भर आप भिगा कर रख दीजिए, दो तीन पानी धोने के बाद ही इसे भिगा कर रखिए, क्योंकि इसका जो पानी रहेगा उसे हम यूज़ करेंगे। इसलिए दो तीन पानी साफ पानी आप धो लीजिए, उसके बाद हम जो पानी में डुबा के रखे थे उस पानी को अलग निकाल देते हैं। और यहाँ पर फॉक्सटेल मिलेट को एक जार में डालकर इसे एकदम चिकना पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए चिकना पेस्ट बन गया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसमें जितना ज़रूरत हो उतना पानी, हमने जो मिलेट डुबा के जो रखा था पानी, वो पानी हम यूज़ करेंगे। अगर नहीं है तब हम नॉर्मल वाटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिलेट जब हम भिगा के रखते हैं तो मिलेट के कुछ गुण पानी में आ जाता है, इसलिए हम पानी को फेंकते नहीं है, उस पानी को यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इसका एकदम पतला सा घोल बना लीजिए और इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो बहुत आसान है इसे बनाना, देखिए कितने कम टाइम में आपका चीला भी बन जाएगा और ज़्यादा हमें सामान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप नॉन स्टिक तवा को यहाँ गर्म कीजिए, जब अच्छे से गर्म हो जाए तब यहाँ पर हम थोड़ा सा सरसों तेल को ग्रीस कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो बिना तेल घी का भी बना सकते हैं, पर मुझे सरसों तेल का जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है, कच्ची घानी जो सरसों तेल होता है वो वाला तेल का। और उसके बाद इस घोल को हम यहाँ पर फैला देंगे चीला की तरह, देखिए चीला की तरह इसे फैला दीजिए। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी चीला आपका बनकर तैयार होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और यहाँ पर गैस का फ्लेम को हम हाई रखेंगे क्योंकि अगर कम रखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अच्छे से सेकाएगा नहीं, तो हाई रखिए और एकदम अच्छे से आपका क्रिस्पी जब तैयार हो जाएगा जब चीला है वो। तो ये देखिए मैं इसे थोड़ी देर बाद चेक करती हूँ, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे अब हम पलट देते हैं। अगर आप एक साइड ही सेक कर खाना चाहते हैं तो एक साइड भी सेक कर खा सकते हैं, दोनों साइड सेकना है दोनों साइड सेक सकते हैं। वैसे ये पक जाता है। बस हमारा मिलेट का चीला बनकर तैयार है, इसे एक कप प्लेट में ले लीजिए। ऐसे ही आप दूसरा चीला भी बना लीजिए और सभी चीला को आप ऐसे ही आप बना सकते हैं, बहुत आसान होता है इसे बनाना। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है, क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स, इसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए फोल्ड भी हो रहा है और एकदम क्रिस्पी, और इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है, वो और मांगते रहता है, पर मैं ज़्यादातर सभी को कोशिश करती हूँ दो या तीन तीन चीला खाए, क्योंकि इतना ज़्यादा बनाने का टाइम नहीं रहता है, तो और मांगने लग जाता है कभी कभी कि और चीला चाहिए। मतलब टेस्ट बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, एक बार ज़रूर आप बनाइएगा इसे। और दूसरा चीला देखिए मैं फिर डाल देती हूँ और अच्छे से बड़ा साइज़ का मैं बना लेती हूँ नॉन स्टिक तवा में। इसलिए मैं नॉन स्टिक तवा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा चीला बनाना रहता है, जिससे कि दो चीले में ही सभी का पेट भर जाए। और ये देखिए मेरा चीला जो बन गया है, और इसे मैं टमाटर प्याज का जो चटनी एक रेसिपी में शायद मैं आप लोगों से शेयर की थी फ्रेंड्स, उसे ज़रूर देखिएगा, उसी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। प्लेट की आसान सी विधि, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड, एक बार जरूरी से ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं एक ऐसे ही मिलेट की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।